जब जब कर्मचारी बोला है राज सिंहासन डोला है, जब कर्मचारी बोला है राज सिंहासन डोला है, जब कर्मचारी बोला है राज सिंहासन डोला है। डॉक्टर सुभाष गर्ग होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर सुभाष गर्ग होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर सुभाष गर्ग होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सुभाष गर्ग, सुभाष गर्ग, सुभाष गर्ग। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। हमारा आंदोलन इस चीज का है कि हम 2 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आप ITI पॉलिटेक्निक को बजट देते हो तो ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस को क्यों नहीं। 2 साल से हमारी बातें सुनी जा रही है, हमें सकारात्मक आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर हल कुछ नहीं निकलता, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्या सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? हमारे पास में आज की दिनांक में सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया, और हम आंदोलन सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान, हमारे सैलरी का स्थायी समाधान नहीं दिया जा सकता, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और अंत तक करते रहेंगे जब तक इसका कोई फुल और फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता। क्या ये पूरे राजस्थान में हड़ताल हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है? बिल्कुल सारे राजस्थान के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में हड़ताल हो रही है, बीकानेर में हो रही है, अजमेर के दोनों महाविद्यालयों में हो रही है, भरतपुर झालावाड़, सब जगह ही आंदोलन चल रहा है, और हम सब आंदोलन में इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये हमारी अंतिम लड़ाई हो और इस लड़ाई का कोई सकारात्मक आश्वासन दे और सरकार इसका कोई रिजल्ट निकाल के हमारे समाज। सरकार से आपकी क्या मांगे, क्या ऐसी चीज़ें कर दी जाए ताकि आपको आंदोलन समाप्त करने की ओर अग्रसर हों? सरकार से हमारी यही मांगे हैं, जब तकनीकी शिक्षा के लिए आपने कॉलेजेस खोले, जो सोसाइटी मोड में आपने कॉलेजेस खोले, 20 साल तक इनको कुछ नहीं दिया गया, आज हमारी ये मांगे हैं कि इनको सैलरी का प्रावधान तो किया जाए। जब आप ITI के लिए देते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए देते हैं, तो तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग की उपेक्षा क्यों, और ये उपेक्षा कब तक चलती रहेगी? तो इसका हम तो ये चाहते हैं हमारी सैलरी का जो है उसका प्रबंध किया जाए और इसको बजट का प्रावधान किया जाए।